जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्टल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, पीसीआई से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे जीपैट, नाइपर, सीयूईटी, पीजी आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जेएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय धूंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। इंडिया पर इस वक्त सीतापुर के पुलिस विभाग से बड़ी खबर आ रही है। सीतापुर पुलिस मुखिया चक्रेश मिश्र ने एक ही थाने के करीब दो दर्जन पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले आज सुबह एक थाना प्रभारी सहित चार पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया जा चुका है और इसके बाद ये जैसे ही लिस्ट जारी हुई कि एक ही थाने के इतने पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है, पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता अरुणेश अवस्थी के पास। तो अरुणेश, बताइए कि किस थाने के पुलिस कर्मियों पर लाइन हाजिर करने की कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के पीछे क्या कुछ कारण निकलकर सामने आ रहा है? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें यह मामला जो है सीतापुर के थाना कमलापुर इलाके का है। हालांकि इस मामले में अभी कोई अधिकृत जानकारी पुलिस विभाग की ओर से नहीं दी गई है। सूत्र ही इस बात का दावा कर रहे हैं कि कल रात को एक जो है अवैध नशे की खेप पकड़ने को लेकर के एक मामला हुआ था, जिसे एसओजी की टीम के द्वारा पकड़ा गया था और थाने में मुकदमा लिखाए जाने को लेकर थाने के स्टाफ और जो एसओजी की टीम के बीच में जो है कुछ बातचीत हुई थी। मामले की जानकारी सीतापुर एसपी चक्रेश मिश्रा को हुई थी और इसके बाद पहले तो फोन पर काफी बातचीत हुई और फिर सीतापुर एसपी चक्रेश मिश्रा खुद स्वयं रात के 2 बजे थाने पहुंचे थे और उसके बाद सुबह खबर निकलकर आई थी कि थाना प्रभारी जो थाना कमलापुर के हैं भानु प्रताप सिंह, उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। और इसके अलावा एसआई पीयूष सिंह थे जिन्हें जो प्रभारी चौकी मास्टरबाग थाना कमलापुर के थे, उन्हें लाइन भेज दिया गया था। इसके अलावा एसआई तेज बहादुर सिंह जो थाना चौकी प्रभारी कस्बा थे, इन्हें भी लाइन भेज दिया गया था। इसके अलावा मुख्य आरक्षी सुरेश कुमार को भी लाइन हाजिर किया गया था। और अब जो है अभी अभी एक लिस्ट और जारी हुई है जिसमें प्रियांशु जी आपको बता दें 22 जो है एसआई मुख्य आरक्षी और आरक्षियों के नाम हैं और सभी थाना कमलापुर के हैं और इन सभी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो है ये सभी जो है सीतापुर एसपी चक्रेश मिश्रा के जो है कोप का जो है वो बन गए हैं, मतलब एक प्रकार से कारण बन गए कहा जा सकता है। इस लिस्ट में किसके किसके नाम हैं हम अपने दर्शकों को वह भी बता देते हैं। इसमें एसआई रमेश जायसवाल हैं जिन्हें लाइन भेज दिया गया है। इसके अलावा मुख्य आरक्षी राकेश चंद्र हैं, मुख्य आरक्षी मनोज कुमार सिंह हैं, मुख्य आरक्षी समर बहादुर हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर विजय चंद्र हैं। इसके अलावा आरक्षी विनोद कुमार सरोज, आरक्षी सुनील कुमार यादव, आरक्षी सतीश कुमार, आरक्षी भूवल चंद्र, आरक्षी जय कुमार, आरक्षी गौरव कुमार, आरक्षी कमल सिंह, आरक्षी अजय कुमार, आरक्षी दिनेश कुमार, आरक्षी प्रिंस भारती, आरक्षी अनुज कुमार, आरक्षी विजय पाल, आरक्षी दिनेश कुमार, आरक्षी अभिषेक कुमार, आरक्षी अमित सिंह और आरक्षी इरशाद अहमद और इसके अलावा आरक्षी आकाश कटियार। तो प्रियांशु जी, आप देख सकते हैं कि 22 लोगों की सूची ये है और इसके पहले 4 लोगों की सूची थी जिसमें थाना प्रभारी और 2 एसआई और 1 मुख्य आरक्षी, और इसमें अगर हम कहें तो जो है 1 एसआई और 3 मुख्य आरक्षी, 1 कंप्यूटर ऑपरेटर और बाकी सारे आरक्षी हैं। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और यह कार्रवाई की खबर जैसे ही जो है बाहर आई है, आप कह सकते हैं
कि पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जी प्रियंशु। जी बिल्कुल, तो 23 जुलाई को मादक पदार्थों की एक खेप पकड़ी गई थी सीतापुर के कमलापुर थाना इलाके में, और एसओजी टीम ने ये खेप पकड़ी थी, जिसके बाद एसओजी और थाना कमलापुर पुलिस के बीच काफी गहमागहमी का माहौल भी बना था, तूतू मैमे भी बात होने की सामने आई थी, और उसके बाद पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र एक्शन मोड में दिखे और आज ही सुबह 4 पुलिसकर्मियों को, जिसमें थाना प्रभारी कमलापुर भानु प्रताप सिंह भी शामिल थे, उनको लाइन हाजिर किया था। और अब जो लिस्ट जारी हुई है, एक ही दिन में 12 घंटे के अंदर ये दूसरी लिस्ट जारी हुई है, उसमें 22 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है, जिसमें जी एक जानकारी अहम रह गई है कि जो SPPRO रहे प्रदीप कुमार सिंह हैं, उन्हें अब थाना कमलापुर की जो है वो जिम्मेदारी सौंपी गई। जी जी बिल्कुल, तो 22 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर करते हुए बड़ी कार्रवाई की है SP चक्रेश मिश्र, जिसमें जिसमें एक उपनिरीक्षक, 3 मुख्य आरक्षी, 1 कंप्यूटर ऑपरेटर के सहित 17 आरक्षियों को लाइन हाजिर करने की कड़ी कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई के बाद से आपको बता दें कि पूरे सीतापुर के पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल कमलापुर थाने की कमान अब जो SP के PRO रहे प्रदीप कुमार सिंह, अब उन्हें दी गई है। तो फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए अरुणेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।